नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव पूरी तरीके से फंसा हुआ दिख रहा है और इसके कई बड़े कारण हैं। उन कारणों पर अगर हम विधिवत फोकस करेंगे और विधिवत बात करेंगे तो कई चीजें निकल के सामने आ जाएंगी। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम चर्चा नहीं करते, जिनके बारे में बातचीत नहीं करते, लेकिन वो होती दिखती हैं। कई चीजें हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं लेकिन वो सतह पर नहीं होती। लेकिन इस बार उपचुनाव जब चला तो कई चीजें थी। भारतीय जनता पार्टी में उठापटक थी, भारतीय जनता पार्टी में बातचीत थी, भारतीय जनता पार्टी में इस पूरे मामले को लेकर रस्सा कस्सी थी। कौन रहेगा सूबे का मुख्यमंत्री, ये लगातार बात चल रही थी। किसके निर्देशन में चुनाव लड़ा जाएगा, ये बात चल रही थी। कौन उम्मीदवारों की सूची फाइनल करेगा, इस पर बात चल रही। बात बढ़ते बढ़ते अब यहां तक आ गई कि 13 तारीख को वोट पड़ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी एक पत्र लिखते हैं और पत्र लिखने के बाद चुनाव आयोग एक्टिव हो जाता है और चुनाव 13 तारीख की जगह 20 तारीख को करा दिया जाता है। समस्या बताई जाती है गुरु पूर्णिमा की, चुनाव फंसता चला जा रहा है और उसी दौरान इस सेल्फ, जिसे कहे जाते हैं सेल्फ गोल करने वाली सरकार, हर बात में खुद को अहंकार में पाल लेने वाली सरकार घिसटती चली गई और छात्र आंदोलन का संकट खड़ा हो गया। 5 दिन चले छात्र आंदोलन ने सरकार की छीजा लेदर बड़ी बेहद बुरी तरीके से करा दी। हजारों की तादाद में संविदा कर्मी पहले से परेशान है। हालांकि इस चुनाव पे संविदा कर्मी, बेरोजगारी, लानत, मलामत, इन सब चीजों का असर ना के बराबर होता है। ये चुनाव सत्ता के दम पर, सत्ता के कुबत पर जीते जाते हैं और हारे जाते हैं। मुझे वो वाकया याद आता है कि 2014 का लोकसभा चुनाव था और 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीतकर एक इतिहास रच दिया था और उसके बाद उपचुनाव हुआ 15 विधानसभाओं पर। 12 विधायक बीजेपी के सांसद बन चुके थे, 15 विधायक जीतकर चुनाव हुआ। 3 सीटें बीजेपी जीती, 12 सीटें समाजवादी पार्टी। वो चुनाव का नेतृत्व तो योगी आदित्यनाथ कर रहे थे और उस चुनाव के बाद योगी जी को उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी की जो जिम्मेदारी दी गई थी भाजपा की तरफ से, जो चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, वो प्रभार भी वापस ले लिया गया। चलता रहा मामला। 2017 का विधानसभा चुनाव आता है, पिछड़े चौरे के तौर पर, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, ब्राह्मण नेता के तौर पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, एक बेहद पढ़े लिखे और शानदार इंसान, उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है, परिणाम अलग होते हैं। और उसके बाद पिछड़े समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। बीजेपी अपार बहुमत 325 सीटों से प्रदेश में जीत दर्ज करती। पिछड़े झुक गए थे, अखिलेश का पारिवारिक विवाद अखिलेश को ले डूबा। सत्ता के खेल में मीडिया ने अपना पूरा रोल निभाया। चाचा से पाल रूठे, मुलायम सिंह रूठे, पुत्र वधु रूठी, परिवार रूठा, सब कुछ रूठते मनाते मनाते रूठते ये खबरें चलती रही और लास्ट स्टेज बीजेपी 325 सीटें जीत गई। झट सीधे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाते हैं। मुख्यमंत्री देखते ही रह गए पिछड़े वर्ग के केशव प्रसाद मौर्य। वोट किसका? पिछड़े वर्ग का, बड़ी तादाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बना दिए गए। और उसके बाद
केशव प्रसाद मौर्य उस चुनाव के बाद आज तक सीएम पद की लाइन में बने रहे। और इसका उदाहरण मैं दे देता हूं कि जब जब बीजेपी सत्ता में आई, पिछड़े चेहरे की दम पर आई, पिछड़े चेहरा लेके आए, तब भी दो सवर्ण मुख्यमंत्री भाजपा ने बना दिए, रामप्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह। तब कल्याण सिंह की दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। इस चुनाव में मेरे ये सब जो आपको समझाया अगली पिछली बात, ये समझाने का मकसद सिर्फ इतना था कि इस चुनाव में अब पूरी तरीके से अगर हम चर्चा करें, हमारे साथ अभी आलोक पाठक सर जुड़ेंगे, तो जब इस चुनाव में बात आई केशव प्रसाद मौर्य प्रचार करने नहीं जा रहे, छात्र आंदोलन को केशव प्रसाद मौर्य अपना समर्थन दे रहे, 69,500 भर्ती को अपना समर्थन दे रहे, और आज उन्होंने एक चर्चित न्यूज चैनल को इंटरव्यू देकर यह साबित कर दिया कि हमारे और योगी जी के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी, एकदम बिल्कुल क्लीन। उन्होंने कहा कि बटोगे और कटोगे का नारा जिनका है वो जाने, हमारी पार्टी का या हमारा या बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता का इस नारे से कोई लेना देना नहीं। और ये बात जब केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं, इसका मतलब वो भाजपा के एक अलग वर्ग से बात कर रहे हैं। और आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य की ये क्षमता नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी का विरोध कर पाए, लेकिन वो गाये बगाए अपना हमला करना बंद नहीं करते हैं। वो ब्रजेश पाठक की तरह मूक दर्शक होकर नहीं देखते हैं कि हाँ योगी जी, हाँ योगी जी। आज फिर मैंने देखा कि दो दो कौड़ी की ब्रजेश पाठक की झांसी में हो गई, पता नहीं मीडिया मैनेजमेंट था क्या था। हमारे साथ आदरणीय आलोक पाठक फिर आ चुके हैं, उनका स्वागत है और अभिनंदन। पता नहीं उनका मीडिया मैनेजमेंट क्या था क्या नहीं था, जब बच्चों की जान चली गई थी तो ब्रजेश पाठक जब वहां पहुंचे तो चूना बिखेरा जा रहा था। मैं हैरान हूं ऐसी राजनीति पर, जिस अस्पताल में 3 दर्जन माताएं बिलख बिलख कर रो रही हो, एक माँ का वो रोने का वीडियो में नहीं सुन पाया। वो माँ कह रही थी, मैंने तो अपने कलेजे के टुकड़े को जी भर कर देखा भी नहीं था, एक निगाह नहीं देख पाई, जैसे ही पैदा हुआ डॉक्टर ले गए थे प्लेट में रख करके, इसमें ऑक्सीजन की कमी है, और वो रखाए थे जाके उसी NICU में कि यहां इसकी ऑक्सीजन पूरी होगी, इसके फेफड़े खुल जाएंगे, इसको कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में बहुत बनना है। उसने तो उसका मासूम का चेहरा भी नहीं देखा था, कौन जवाब देगा उस विलखती माँ को, किसमें ताकत है उस माँ की गुस्सा झेलने की। मैंने देखा है बिलखते हुए लोगों को, लोग भी बिलखे हैं, बैठ के सदनों में रोए हैं, लोकसभा में रोए हैं, राज्यसभा में रोए हैं, यहां जिसका मौका लगा है तब सो रोया है, लेकिन वक्त और हालात तय करते अलग अलग चीजें। आज पूरी तरीके से यूपी चुनाव फंसा हुआ है। अगर लोगों में थोड़ी सी गुस्सा झांसी के मामले को लेकर, थोड़ी सी गुस्सा बहराइच को लेकर, थोड़ी सी गुस्सा मऊ को लेकर, जो ये नफरत का वृक्ष बनाया गया उसके पत्ते झड़ने लगे हैं, और थोड़ा सा इलाहाबाद का यानी प्रयागराज का छात्रों का आंदोलन, पूरा चुनाव फंसा हुआ और पिछड़े वर्ग के नेता बड़े शांत मन से देख रहे हैं। हमेशा योगी जी के साथ रहने वाले भी शांत है, लेकिन अकेले योगी आदित्यनाथ जी मैं देख रहा हूं, सुबह फूलपुर थे, दोपहर में खैर में थे, तीसरे पहर अभी गाजियाबाद में रोड शो कर रहे हैं, कानपुर में थे, सब जगह है, लेकिन झांसी नहीं गए, झांसी नहीं गए, न जाएंगे, क्योंकि वहां तो ब्रजेश पाठक को भेजकर चूना बिखेर कर ये बता दिया कि ये ब्राह्मण डिप्टी सीएम स्वागत का भूपा है, साबित करा दिया। आलोक सर कैसे देख रहे हैं यूपी चुनाव, क्या फंस गया यूपी चुनाव? सुबह एक भाजपा के नेता का फोन आता है और कहते हैं आलोक जी झांसी के बाद बुरा हाल हो गया है, शायद हम
9 में से 2 या 3 सीट भी न जीत पाए। ये गंभीर बात बता रहे हैं भैया, ये आकलन है। एक्चुअली जो उसका दूसरी बात उन्होंने कही कि यूपी की जनता जो है, जनता जो है भारत की, वो गरीबों के साथ जब अन्याय होता है तो उसके साथ खड़ी दिखाई देती है। जो लोग भी मारे गए हैं, माफ कीजिएगा, जो बच्चे नवजात मारे गए वो सब गरीब परिवारों के थे ज्यादातर। और कल अखिलेश यादव ने रात को ही ट्वीट कर दिया था कि अब मुख्यमंत्री जी को चुनाव प्रचार से दूरी बनानी चाहिए थी चाहिए और झांसी में इंतजाम बढ़िया करने चाहिए बच्चों के इलाज के लिए, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में बच्चे, लगभग 47 बच्चे आईसीयू में एडमिट थे, जिसमें से 10 इस दुनिया में अब नहीं रहे, बाकियों का इलाज चल रहा है, कुछ का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, कुछ का प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। और जिस तरह की घटना हुई थी हाल फिलहाल में, ऐसी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये जरूरी था कि मुख्यमंत्री खुद मौके पे जाते, लेकिन उप मुख्यमंत्री को भेज दिया गया, सुबह 5 बजे पहुंच जाते हैं और पहुंचने के पहले मेडिकल कॉलेज पे दिखा जा रहा कि सड़क के दोनों किनारे नगर निगम के कुछ, आजकल तो सब कुछ आउटसोर्स होता है, कर्मचारी तो नहीं होंगे आउटसोर्स, जो ठेका लेने वाली कंपनी वो उसको वो चूना गिरा रही थी और इसका वीडियो बनवा लिया जाता। देखिए मैं आपको एक बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, कितनी बारीकी से, कि इस घटना पे चर्चा ना हो, चर्चा इस बात पे होनी चाहिए थी कि झांसी में आग कैसे लगी, जिसको आपने वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट के लिए बताया था जनवरी में। आलोक सर, एक हमारे दर्शक है, हम उन्हें जरूर जवाब दे दें। गीद की तरह बच्चे की मौत पर राजनीति करते हो आलोक जी, अखिलेश के दलाल हो, हम आपकी बात का बड़ा स्वागत करते हैं। ऐसे लोग आके जो हमें ज्ञान देते हैं, हम उनसे ज्ञान वर्धन लेते हैं। ये बच्चे अगर, क्या आपके परिवार से कोई बच्चा गया है? मैं बड़ी बेबाकी से आपसे राय मांग रहा हूं, जिस दिन आपके बच्चे परिवार से इलाज के अभाव में या अस्पताल में या सरकारी समस्या से नहीं जाएगा, उस दिन मुझसे ज्यादा चिल्लाओ, आलोक जी से ज्यादा चीखोगे, सड़क पर तांडव करोगे सरेआम, हम तो अभी बैठ के आवाज उठा रहे हैं, और फिर आप हम ही से गुहार लगाओगे कि बचाओ हमारे परिवार को, बचाओ हमारे बच्चों को, बचाओ हमारे बच्चों को। तो भाई साहब, सर इन चीजों पे देखिए, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये लोग आते हैं कमेंट करते हैं, कम से कम इन्हें चिंता है हमारी कि हम क्या बोल रहे हैं, इन्हें हम पर निगाह रखनी पड़ती है, शर्म आती है। उन बच्चों के वीडियो देख लेते, गिद्ध की तरह नहीं, उस माँ की रोती हुई वाणी देखते कि वो कैसे तड़प रही है, जिसका बच्चा जलकर खाक हुआ है, जिसके जिगर का टुकड़ा खाक नहीं होता है, कभी उसके दिल के नजदीक बैठकर बात सुनिए, या फोन पर फोन घन घन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं साहिब क्या होगा, मेरा मासूम मैंने तो देखा भी नहीं था, मैंने मंगलवार को जन्म दिया था अपने बच्चे, मैंने बुधवार को जन्म दिया था, मैं तो 1 मिनट भी उसकी सूरत नहीं देख पाई, जब वो पछाड़ खाती है तो तुम जैसे गीध राजनीति करने आते हैं, तुम्ही ने तो इस सत्ता का खेल बिगाड़ दिया है, तुम ही तो इसे हिंदू मुस्लिम धर्म जाति संप्रदाय में बांट रहे हो, हमें शर्म आती है ऐसे लोगों के साथ बातचीत करने में। आज हम अखिलेश के दलाल में, अरे सर आज हम अखिलेश के दलाल हैं। अरे छोड़िए सर, देखिए हम यहाँ हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कोई जिसको जो इच्छा लगे मुझे कहे, वो हर आदमी अपने हिसाब से राय देने का अधिकारी है, उसको जो कहना कहे, हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं भाई। सरकार जब, जिसकी सरकार रहेगी उससे आलोक पाठक सवाल पूछेगा। मेरा काम 2012 से 2017 तक की जिसकी सरकार थी उससे खूब सवाल पूछेगा। तीन चीजों का मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या करे। अभी हम मुद्दे पे आते हैं जी।
अभी पहले बताया गया, अब अभी शाम को एक बयान आया है साहब झांसी से ही, पता ही नहीं था कि कितने बच्चे वहां एडमिट थे। ये तो हाल है मेडिकल कॉलेज में। मैं बड़े ताज्जुब की एक बात बता दूं उससे पहले आपको, कि आज एक जगह प्रोग्राम हो रहा है, कॉन्क्लेव हो रहा है एक यूट्यूब चैनल का लखनऊ में, वहां हमारे मुख्य जो चिकित्सा विभाग के सचिव है वो वहां उस प्रोग्राम में इन्वाइटी है, मेरे पास उसका इनविटेशन रखा हुआ है। नहीं शायद वो गए नहीं है, पार्थसारथी सेन शर्मा वहां गए नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी वो गए नहीं है, क्योंकि वो इनविटेशन तो पहले का जमा हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से जानकारी में गए नहीं है। लेकिन एक बड़ा, आज मेरी कई लोगों से बात हुई, मैंने सवाल पूछा था कि भैया ये जो अग्नि फायर रोकने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं वो एक्सपायरी डेट के क्यों थे, तो पता ये चला कि टेंडर की फाइल रुकी हुई है कहीं, टेंडर तो अब वो कह रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि ब्रजेश पाठक बहुत से आमूलचूल बदलाव करना चाहते हैं अपने विभाग में, लेकिन कुछ अधिकारी उस उन निर्णयों को लेके बैठ जाते हैं, उस पर जल्दी से निर्णय नहीं होते हैं। तो ब्रजेश पाठक के जिस करीबी ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा इससे अच्छा है कि ब्रजेश पाठक को फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, जब उनके विभाग के अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं तो किसने कहा कि आप स्वास्थ्य मंत्री बनो यार, आओ साफ साफ बोलो, केशव मौर्या साफ साफ बोल रहे हैं कि हमारा नारा और हमारे जैसे हर कार्यकर्ता का नारा एक है तो सेफ है, योगी जी जो बोल रहे हैं योगी जी की जिम्मेदारी है। और सुनिए वो साहस देखिए केशव मौर्या का, कि आज भी उन्होंने इंटरव्यू दिया है और आज तक जैसे चैनल पे आज खबर चली है। सवाल है हमारे एक मित्र है नवीन कुमार, दर्शकों से बोलूंगा आर्टिकल 19 पे जाके नवीन कब सुनिए क्या बोला है उसने। उसने तो सीधे सीधे कहा कि नरेंद्र मोदी और योगी जी में थोड़ी भी नैतिकता होती तो इस दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे देते, माफी मांगते। आप सोचिए 10 बच्चों की जान चली गई, 8 के बच्चों को, 8 बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, और घटना के 21 घंटे बाद हम लाइव कर रहे हैं, कल रात को 10:30 / 11:15 की घटना है और आज शाम को 7:18 पे लाइव हूं मैं उस घटना को लेके। ये जमाना हो गया है योगी जी, आज योगी जी देखिए कितनी जगह रैली करते हैं, सुबह फूलपुर जाते हैं, फिर कानपुर में रोड शो करते हैं, फिर गाजियाबाद में फिर रोड शो कर रहे हैं, अभी हर विधानसभा में 9 विधानसभा में उपचुनाव है, हर क्षेत्र में योगी जी 2 से 3 बार जा चुके हैं। और जब इतना बढ़िया आपका माहौल चल रहा है, अगर आज आप चुनाव प्रचार में नहीं जाते, उन जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, नौजवान बेटे को खोया, उन माओं से मिल लेते तो संदेश जाता कि इस प्रदेश का जो मुखिया, जिसको जनता ने, जिस पार्टी को बहुमत दिया भाजपा को, उस पार्टी ने जिसको नेता चुना, उस योगी आदित्यनाथ ने मतलब लोगों का दर्द समझा। ब्रजेश पाठक के साथ गेम हो जाता है, उनको पता नहीं उनके स्वागत में वहां चूना बिछा दिया जाता है, उसके बाद बकायदे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करा के अपने चेलों से कह के उसको खबर हाईलाइट कराया जाता है। अरे ब्रजेश पाठक ने तो तुरंत इस घटना पे खेद प्रकट किया है और बोला है, डीएम को बोला है, लेकिन डीएम तो किसकी सुनेगा, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, डीएम तो वही सुनेगा जो उसको ऊपर से निर्देश आएगा मुख्यमंत्री ऑफिस से। देखना इसमें क्या कार्रवाई होगी, यहां क्या हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाजपा कई टुकड़े में बटी हुई है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, चुनाव प्रचार में चेकिंग के नाम पे अंबेडकर नगर में की कटहरी विधानसभा में जो आज वहां के सांसद को रोका गया, उनकी बेटी को रोका गया, तमाम बहस हुई। भाई परसों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है, भाजपा के भदोही के सांसद बिंद जी ने वहां पे एक पार्टी दी थी, पार्टी में मारपीट हुई थी, एक आदमी का सर फटा था,
क्या वहां जिला प्रशासन पूछने गया कि इतने बड़े आयोजन के लिए आपने परमिशन ली थी? और चेकिंग के नाम पे अगर विपक्षी दल के उम्मीदवार हो उसके काफिलों को आप बार बार तंग करेंगे, नतीजा क्या होगा? याद कीजिए इसी अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव के दिन पुलिस ने तमाम जगहों पे छापे पे मारे थे, नतीजा क्या हुआ? बड़ी संख्या में जनता ने लालजी वर्मा के पक्ष में मतदान कर दिया। भाजपा के एक नेता ने मुझसे कहा है कि ये बौखलाहट बता रही है। भाजपा के नेता भी दबी जुबान से कह रहे हैं कि अगर अधिकारियों के भरोसे चुनाव जीतने की कोशिश की गई तो बड़ा बुरा, बहुत बुरा होगा। अब हम ये बात कर रहे होगा तो होगा, 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 विधानसभा सीटों में हालात ये हैं कि हर व्यक्ति आज सवाल कर रहा है। वो सबसे पहले पूछ रहा है कि प्रयागराज में क्यों 5 दिन बच्चे बैठे रहे, और पूछ रहा है झांसी में जिन मासूमों की जान गई वहां मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए। उस पर जवाब क्या है? आप प्रचार कुछ भी करिए, ये जो प्रचार है, जो जमीन पर प्रचार है, जिन बच्चों की जान गई है, जो बच्चे नहीं, मैं मानता मुख्यमंत्री जी गर्भगृह के अंदर बैठे थे जब रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब क्यों नहीं बृजेश पाठक को भेज दिए? हर चीज में क्रेडिट, आप दिल्ली में रहते हैं ना श्री कुमार जी, हर होर्डिंग में तो योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी रहती है, हर जगह लिखा जाता है योगी सरकार, योगी सरकार, योगी सरकार, रेडियो पे विज्ञापन आएगा, टीवी पे आएगा। रेडियो टीवी पे आपने ब्रजेश पाठक की तस्वीर देखी है? ये पता, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या फायर जो सिस्टम था उसके फायर एक्सटिंग्विशर की सप्लाई के लिए जो टेंडर हुआ था, टेंडर समय से हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो उसके लिए दोषी कौन है? और सुनिए, एक कमेटी बनाई गई है जो जांच करेगी हादसा कैसे हुआ। उसके पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने बयान दे दिया चुनावी सभा में कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है। एक चैनल पे बयान चल रहा है, एक महिला ने माचिस की तीली जलाई और उसके बाद दुर्घटना हो गई। जरा वो मैं बोलूंगा कि वो जो कमेटी बनी, उस कमेटी को जरा लगा दीजिए स्क्रीन पे, अरुण जी से बोलिए कि जरा वो एक स्वास्थ्य विभाग ने कमेटी बनाई है जांच के लिए, तो उसके पहले कैसे कह दिया क्या मुख्यमंत्री जी ने? आईबी की टीम, आप सोचिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम भी आज एक पहुंची है वहां जांच करने के लिए। इतना सेंसिटिव मुद्दा है ये। सर ये जो आईपी की टीम गई है ये तो केंद्र सरकार के इशारे पे पहुंची होगी? नहीं, आईबी देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम देश में कहीं भी कुछ उसको लगा होगा, वो अपने हिसाब से निर्णय लेती है ना, कुछ महसूस किया होगा, जांच के लिए गई होगी। तो अभी दुर्घटना के कारणों का पता ही नहीं चला, मुख्यमंत्री जी कह दिए शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। और बहुत ही, मतलब सुकुमार जी कहना नहीं चाहिए, क्या एक दिन चुनाव प्रचार नहीं करते? या सुबह मुख्यमंत्री जी तो सुबह उठ जाते हैं, उनके करीबी लोग बोलते हैं कि 4 बजे उठ जाते हैं वो, तो झांसी स्टेट प्लेन से जाना था कितना देर लगता? आधा घंटा लगता, 1 घंटा लगता, और चुनाव प्रचार तो 10 बजे रात तक चलता है। वहां जाते जिन्होंने अपने नवजात बच्चों को खोया है उनके मां बाप से मिलते। अब बताइए, फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायरी हो गया है, ये कितनी बड़ी भूल है, बिना फायर सेफ्टी
क्लीयरेंस के कैसे अस्पताल मेडिकल कॉलेज चल रहा था? क्या इसके लिए अस्पताल प्रशासन तो दोषी है ही है? जिले के फायर अफसर क्या कर रहे थे झांसी के, और कौन से वो अधिकारी थे जो चूना डलवा रहे थे सड़क के किनारे? उप मुख्यमंत्री जी को आना है सुबह 5 बजे। छात्र जो है हर जगह वही हाल है, कन्नौज की घटना है, कितना जिक्र करूं सुकुमार जी। आज 16 तारीख खत्म हो गई, अरे इन उपचुनाव में अगर भाजपा हार भी जाती एक दिन प्रचार न करने से तो योगी जी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जनता की भी संदेश तो जाता कि हमारा मुख्यमंत्री इतना संवेदनशील है कि वो आया दुख में हमारे साथ खड़ा रहा। सब जगह फजीहत अधिकारी करा रहे हैं सुकुमार जी, सब जगह फजीहत अधिकारी करा रहे हैं। अब ये जांच कमेटी क्यों बनाई है भाई, जब मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। जरा सुकुमार जी इसको पढ़ के सुना दीजिए, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। कार्यालय प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, दिनांक 16 नवंबर 2024, कार्यालय आदेश दिनांक 15/11/2024 को महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में आग लगने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। उक्त घटना की जांच हेतु बिंदु निम्नवत है। आग लगने का प्राथमिक कारण किसी भी प्रकार की लापरवाही या दोष की पहचान यदि कोई हो तो, भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं के बचाव हेतु सिफारिश है। नंबर 2, उपरोक्त बिंदुओं की जांच हेतु नियमानुसार कमेटी गठित की जाती है। नंबर 1, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण अध्यक्ष, निदेशक स्वास्थ्य परिवार चिकित्सा सेवाएं सदस्य, अपर निदेशक विद्युत चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं सदस्य, महानिदेशक अग्निशमन द्वारा नामित अधिकारी सदस्य। उपरोक्त कमेटी अपनी जांच आख्या आदेश जारी होने के 7 दिवस के अंदर शासन को उपलब्ध कराएगी। कृपया सूचनार्थ एवं समयबद्ध अनुपालनार्थ पार्थ सारथी सेन शर्मा प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, प्रतिलिपि महानिदेशक अग्निशमन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, महानिदेशक चिकित्सा एवं शिक्षा प्रशिक्षण, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य, अपर निदेशक विद्युत चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं। ये कमेटी फिर क्यों बनाएगी जब मुख्यमंत्री जी बता चुके हैं कि वो, और देखिए आज मैं मेरा बहुत ही बहुत स्पष्ट सा सवाल है, आप मुझे कुछ भी गालियां दीजिए। विदेशों में श्री कुमार जी, विदेशों में अगर ऐसे हादसे होते हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, सर यहाँ एक सवाल अभी हादसों और उन पर भी हम साथ साथ हमने आपसे कहा, जो आपने अभी हादसे का जिक्र किया, इससे पहले बच्चों को ऑक्सीजन न मिलने के चलते गोरखपुर में बड़ी तादाद में बच्चों की जान चली गई, जिसमें एक डॉक्टर कफील अहमद होते थे जिन्हें जेल जाना पड़ा, बाद में उनके साथ क्या क्या हुआ, बाद में वो बड़ी हुए और सुरक्षित हुए, लेकिन तत्काल कफील अहमद को जेल भेजकर मामला ठंडा पड़ गया। आप कब तक इन समस्याओं से जूझकर भी कोई रास्ता नहीं निकालेंगे? आखिर क्या है आप ये समझिए, चुनाव है, उपचुनाव है, 9 विधानसभा सीटों पर है, चुनाव से ज्यादा जरूरी था अस्पताल। क्या चुनाव इतना फंसा हुआ कि मुख्यमंत्री नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य नहीं जा रहे हैं, और अभी उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया जिस पर हम आपसे सवाल करेंगे अगला। नहीं नहीं ये दिखाता है कि योगी जी के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव कहते हैं उनकी कुर्सी पे दांव, उनकी कुर्सी दांव पे है।
तभी तो इतनी ऐसी दुख की घड़ी में बजाय पीड़ितों के साथ खड़े होने के वो फूलपुर में सभा करते हैं, वो कानपुर में रोड शो करते हैं, वो गाजियाबाद में रोड शो करते हैं, और आप बता रहे खैर भी गए। जबकि मेरी जानकारी है कि हर विधानसभा में दो या तीन बार वो ऑलरेडी प्रचार कर चुके हैं, तब दो दो उप मुख्यमंत्री हैं आपके प्रचार कर रहे हैं, दर्जन भर मंत्री हैं, हर आदमी को दो विधानसभा सीट का प्रभारी बनाया गया है, 30 लोगों की टीम 30 बनी थी, याद करिए आप, चुनाव जिताने के लिए। और उसके अलावा क्या खबर आ रही है आज कि कटहरी में लालजी वर्मा के काफिलों को चेकिंग के नाम पे बार बार रोका जा रहा है। सवाल पूछते हैं यार, तुम बैठ गए हो बंगाल या महाराष्ट्र से, तुम्हें केवल अखिलेश से हम कितने सवाल, हमारे वीडियो देखो जाके, हम अभी भी अखिलेश से सवाल पूछेंगे, क्या विपक्ष से ही पूछते रहे या सत्ता बताएगी? नहीं नहीं, अरे अरे सुकुमार जी समय मत बर्बाद कीजिए, आज की डेट में उत्तर प्रदेश, नहीं उन्हें पता होना चाहिए कि बंगाल की घटना पर पूरे देश ने लानत मलामत भेजी है। ये बताओगे कि अयोध्या में जो मोहित खान को नहीं अखिलेश पूछने गए, उनका डीएनए टेस्ट आ गया, उसके बाद तुम्हें पता है क्या हुआ? अरे कम से कम सुना करो, सुनना सीख लो। अखिलेश से इतने सवाल पूछ लिए, अखिलेश ने कुछ नहीं बोला आज तक, जवाब दिया है। और कोई सत्ता में रहे उससे सवाल पूछेंगे, कौन अखिलेश और कौन सरकार, हमारा काम है सरकार से सवाल करना, जनहित के मुद्दे उठाना। आलोक सर, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अखिलेश बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, बड़ा सवाल है, अभी जस्ट आया पहला कमेंट। भैया अब ये ही सब तो बातें हैं ना, जिस आदमी ने मोदी और योगी को हरा दिया हो वो बीजेपी में शामिल होगा। अखिलेश यादव का आज का एक बयान सुना देता हूं आपको, बता देता हूं, सुना तो नहीं सकता हूं, कॉपीराइट का मामला है। वो दिल्ली में थे, वहां प्रदूषण की चर्चा हो रही थी कि बहुत प्रदूषण है दिल्ली में, तो उन्होंने कहा मैं राजनीतिक प्रदूषण दूर कर रहा हूं यूपी से, और शुरुआत में कर चुका हूं। ये नफरत की जो राजनीति वहां हो रही है, बांटो और बांटने की और काटने की जो राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो राजनीतिक प्रदूषण मैं दूर कर रहा हूं। और देखा तो सवाल इसका है कि अब केशव मौर्य इस तरह के बयान देके, सिंपल सी बात है कि ये बयान दे देते हैं, चैनल वाले चलाते हैं कि वोटर कंफ्यूज हो जाए। लेकिन अब तो सुकुमार जी, अब 9 विधानसभाओं उपचुनाव के नतीजे ये तय करेंगे। लोकसभा चुनाव में तो जनता ने बता दिया कि वो मोदी के साथ नहीं, मोदी और योगी के साथ नहीं थी, MY कॉम्बिनेशन जो है मोदी और योगी का उसके साथ नहीं थी, वो इंडिया गठबंधन के साथ थी। 44 सीटें जीती थी इंडिया गठबंधन और आजाद समाज पार्टी ने मिलकर। तो अब ज्यादा बात नहीं करनी है, और जो सत्ता में रहेगा, जो सरकार चला रहा होगा, उससे सवाल पूछे जाएंगे। कटहरी में क्यों ऐसा किया जा रहा है भाई, क्यों नहीं, कहीं से खबर तो नहीं आ रहा है कि भाजपा प्रत्याशी के काफी लोगों की कहीं जांच हो रही है, कहीं बहस हो रही है? देखिए अभी हाई कोर्ट का एक निर्णय इनके अगेंस्ट गया है, इरफान सलंकी को ठीक है, दो अन्य मामलों में। ये सब जी आज कह रहे हैं तो क्या अखिलेश जी दिल्ली तो नहीं गए बीजेपी में शामिल होने? अब सर देखिए ये सब मतलब कहते हैं ना कि केशव जी को ऐसा बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि जब बयान गलत साबित होगा तो उनकी विश्वसनीयता गिरेगी। जिस आदमी के PDA ने आपको मजबूर कर दिया RSS को, कि परसों एक RSS की बैठक हुई थी कि कैसे PDA का काट निकाला जाए, अभी
अब 48 घंटे बचे हैं, 48 भी नहीं, अब तो 7 बज रहा है, 7:30 बज रहा है। 18 तारीख की शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, उसके बाद 20 को मतदान हो जाएगा, 23 को सात दिन, नतीजे। 7 दिन बड़ा प्रचार। नहीं तो नुकसान हो गया, चुनाव की डेट बढ़ने से बीजेपी को नुकसान हो गया। देखिए झांसी की घटना का बड़ा इम्पैक्ट है, मैंने कई जगह लोगों से बात की। एक सज्जन बोल रहे थे कि अभी तक तो 4-4 का नतीजा था, और ये भाजपा के ऐसे सज्जन थे शिव कुमार जी, चूंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं, हमारे कई लोग से संपर्क रहते हैं। एक शख्स ने मुझे लिख के बता दिया था, और मैं तारीख बता रहा हूं, मई के दूसरे तीसरे हफ्ते तक की, पाठक जी हम लोग 40 का आंकड़ा नहीं छू रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी किया था मार्च के महीने में कि आरएसएस की एक मीटिंग हुई थी, उसमें ग्राउंड रिपोर्ट आई थी कि 40 से ज्यादा सीटें भाजपा जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन तब भी तो ऐसा नहीं है कि भाजपा में, वो बता रहे हैं कि अब तक लग रहा था कि 4 सीटों पे हम मुकाबले हम आगे हैं, 4 सीटों पे भाजपा सपा आगे है, लेकिन इस घटना ने समीकरण बदल दिया है। अब तो 2 ही सेफ सीट वो बता रहे थे नेताजी, एक गाजियाबाद की बता रहे थे कि सेफ सीट सेफ है, और दूसरा जो है मझवा की बता रहे थे, मिर्जापुर की। पहले बता रहे थे कि 4 सीटें सेफ थी, फूलपुर में, मझुआ में, गाजियाबाद में, खैर पे, और सपा का बता रहे थे कि सीसामऊ में सपा को एडवांटेज मिल गया है, क्योंकि इरफान सोलंकी को जिस मुद्दे मामले में सजा मिली थी उसमें उसको हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, और करहल में कर दे, करहल में तो सवाल ही नहीं उठता, करहल अखिलेश जीतेंगे जीतेंगे। कटहरी सीट बोल रहे थे कि अंबेडकर नगर हमारा 2022 में भी खाता नहीं खुला था, लोग स्वयं बुरी तरह से मारे हैं, 2019 में भी लोकसभा में आ रहे थे, तो अंबेडकर नगर में भी कहते कि हमारे लिए स्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं है। तो 4 सीटें तो खुद ही बता रहे थे वो, एक सीट जिस पे वो क्लियर नहीं थे, कुंदरकी बता रहे थे मुरादाबाद, और ये सब जानते हैं कुंदरकी में सपा ही जीतेगी। ब्रजेश पाठक जी ने कहा कि मुसलमानों को तेज पत्ता की तरह सपा यूज करती है कांग्रेस, लेकिन मैं ये नहीं अरे समझ भाई, पाया कि भाजपा क्या उनसे गरम मसाले की तरह करती है। एक कभी हम नाम सुना करते थे मुख्तार साहब थे, एक एमजे अकबर साहब थे, एक बिहार के और आप नेताजी अच्छा, थे। एक हिमसे कुमार जी, मैं एक ही बात पूछता हूं, योगी जी कहते हैं मुख्तार माफिया था, हम भी अरे मानते नहीं, हैं, यानी हम उन सुनिए मुख्तार जी की बात कर रहे हैं, हम उन यानी मुख्तार जी की बात कर सुनिए, रहे हैं यानी जो मैं भी बेमानी मानता हूं कि जीते। मैं मेरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी सुन लीजिए, मैं मानता हूं मुख्तार माफिया था, अपराधी था, मैं भी मानता हूं, मैं भी मानता हूं कि अतीक माफिया था और अपराधी था, उन दोनों की, मुख्तार की मौत सरकार दावा करती है कि स्वाभाविक है, अतीक की मौत, अतीक की तो मौत जैसी भी दुनिया जानती है, लेकिन जहां मुख्तार का प्रभाव क्षेत्र था पूर्वांचल, न सिर्फ गाजीपुर की सीट बल्कि पड़ोस की घोसी भी, बलिया भी, चंदौली भी, सब जगह भाजपा हार गई। अब आते हैं अतीक पे, अतीक एक बार फूलपुर से सांसद थे, अतीक का प्रभाव प्रतापगढ़ में ही माना जाता है, अतीक का प्रभाव कौशाम्बी में माना जाता है, वहां तो आप खाता ही नहीं खुला, प्रयागराज भी आप हार गए, बांदा भी आप हार गए, आप कौशाम्बी भी हार गए, प्रतापगढ़ भी हार गए, तो इसका मतलब जनता वोट के जरिए जवाब देती है,
उसने जवाब दे दिया। इस चीज को समझना पड़ेगा ना, लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे 2022 के बाद से स्थितियां बहुत भयानक हो गई हैं। बुलडोजर पे क्या निर्णय आया है सबने देख लिया। एक पत्रकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तो 25 लाख का जुर्माना भरने तक को कह दिया है। नौकरी आप दे नहीं पा रहे हो, लगातार परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं। आपकी पार्टी एक है नहीं, आप कह रहे हो बटोगे तो कटोगे। आज वो जिक्र कर रहे थे कि हम बनारस में मतलब अयोध्या में 550 साल पहले हम बटे हुए थे, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ, बनारस का उन्होंने जिक्र किया। अरे ये बात तो आप लगातार कह रहे हो, लेकिन अफसोस की बात तो है कि 550 साल बाद रामलला का मंदिर बनता है, उसके बाद भी आप हार जाते हो। क्यों नहीं आपने हिम्मत की? अयोध्या में क्यों नहीं आपने एक दलित प्रत्याशी उतार दिया? उतार देते आप दलित प्रत्याशी? जब सपा जो है सामान्य सीट पे दलित प्रत्याशी उतार सकती तो आपको क्या जाता था? अयोध्या आप हार गए, वाराणसी में प्रधानमंत्री की लीड 1.5-2 लाख से कम हो गई, और मथुरा में भी आप भी जानते हो कि हेमा मालिनी पहले कितने वोटों से जीतती थी, इस बार कितने कम वोटों से जीती। अयोध्या मंडल में तो भाजपा का खाता ही नहीं खुला। अयोध्या की सीट हार गए, बाराबंकी हार गए, अंबेडकर नगर हार गए, अमेठी हार गए, सुल्तानपुर हार गए। वो तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने देवी पाटन मंडल में इज्जत बचा दी। फिलहाल जो हालात है इसमें विधानसभा उपचुनाव में झांसी की घटना के बाद आम जनता की नाराजगी भाजपा के प्रति बढ़ी है, और इसका असर आपको मतदान के दिन दिखाई पड़ सकता है और 23 तारीख को नतीजों में भी देख सकता है। सर मैं ये कह रहा हूं, बीजेपी में कुछ मुस्लिम समुदाय के नेता थे, वो तेजपात की पत्ता की तरह गायब कहां हैं? मुसलमान को अब ये देखिए नहीं, मैं अच्छी समझ नहीं आता हूं कि आखिर आपको, आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ना, सर हो तो रहा है सबका साथ सबका विकास। कुंदरकी में मुसलमान को बता रहे हैं सपा और कांग्रेस। नहीं 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 सुनिए, विकास विकास कहां हो रहा है ये कल से लोग बता रहे हैं। नेताओं और अधिकारियों के परिवार का, उनके रिश्तेदारों का विकास हो रहा है। नेताओं और अधिकारियों के परिवार को किस तरह से विधानसभा विधान परिषद में नौकरियों की रेवड़ी बांटी गई है, अब यूपी में इसकी भी चर्चा हो रही है। और जब मैं नेताओं कह रहा हूं, इस रेवड़ी में भाजपा और सपा दोनों के नेता हैं, मैं स्पष्ट कर लूं। चुनाव झांसी पे जल्द से जल्द, झांसी में जो बच्चे घायल है वो ठीक हो, और झांसी की घटना के लिए जो लोग दोषी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सर अब अंतिम सवाल मेरा आपसे है, चुनाव को लेकर 9 सीटों का क्या आकलन मान के चल रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी क्या पूरे तरीके से फंसी हुई है? और इस चुनाव में पिछड़े चेहरे माने जाने वाले बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य कहां हैं?
देखिए अब केशव मौर्या लगातार बोल रहे हैं, योगी जी के नारे को अपना नारा मान नहीं रहे हैं। केशव मौर्या ने लोकसभा चुनाव के बाद कहा था संगठन सरकार से बड़ा है। केशव मौर्या ने जब उत्तर प्रदेश पीसीएस जे में सरकार लोकसभा आयोग ने बात मानी कि चलो सिंगल शिफ्ट में सिंगल डे एग्जाम होगा, तो उन्होंने कहा कि इसमें केंद्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद दिया और योगी जी को भी धन्यवाद दिया। योगी और केशव के बीच की दूरियां साफ दिख रही हैं। 4 जून 2024 के बाद बहुत कम एक दूसरे के साथ वो लोग सार्वजनिक मंच पे दिखाई दिए, बहुत कम। देव दीपोत्सव, जो दीपोत्सव होता है अयोध्या में छोटी दीपावली पे, उसमें दूसरी बार लगातार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्या दिखाई नहीं दिए। तो बड़ा स्पष्ट है भाई कि भाजपा, एक बड़े राजनीतिक विश्लेषक ने मुझसे बताया कि जो स्थिति समाजवादी पार्टी के बीच में थी 2016 और 17 में, जब उनके परिवार में समाजवादी पार्टी में कई खेमे हो गए थे, अखिलेश यादव का खेमा था, एक खेमा शिवपाल का था, एक राम गोपाल का था, और एक अखिलेश की जो दूसरी माताजी जो अब नहीं रही उनका था, साधना गुप्ता का, वही हाल कमोबेश उत्तर प्रदेश भाजपा का कई खेमों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक खेमा योगी जी का, एक केशव जी का है, और एक संगठन में एक भाई साहब उनका है एक। आलोक सर, आप तो बहुत दिन से देख रही हैं, संगठन वाले भाई साहब का खेल क्या होता है, उनसे सब भाई साहब कहते हैं नमूने नेता। अरे भाई साहब इतना, अब देखिए हर चीज तो कुछ चीजें हमारे दर्शक बड़े समझदार हैं, लिख देंगे नाम कमेंट में कि मैं किस भाई साहब का जिक्र कर रहा हूं। आज सपा के सांसद से बड़ी झड़प हुई है और राजीव राय ने कई एक इमेज शेयर की अभी ट्विटर पर। उन्होंने लिखा है कि जिलाधिकारी को फोन लगाया, कानपुर को लगाया, फला को लगाया, किसी ने फोन नहीं उठाया, उन्होंने पूरी कॉल डिटेल डाली है। आलोक सर देखिए राजीव राय से तो मैं आपको बताऊं, राजीव राय को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं, वो मामूली सांसद नहीं है, ये समझना चाहिए भाजपा के लोगों को। उस शख्स ने 2022 में मुझसे कहा था कि पाठक जी मैं इनको बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर में भाजपा को साफ कर दूंगा, तो लगभग उसने साफ कर ही दिया था। और मेरा एक इंटरव्यू जब उसने कहा था कि पूर्वांचल में मैं बलिया अगर आसपास में इनको इनको खाता खोलने में इनको परेशानी हो जाएगी। जो आदमी 2012-14 में लोकसभा चुनाव हारता है, बलिया जिले के रहने वाले हैं, ठीक है घोसी की दो विधानसभाएं, माफ कीजिए एक विधानसभा बलिया जिले में भी है, दो विधानसभाएं, लेकिन रहने वाले मूलतः बलिया के हैं, वाके मऊ में मेहनत करते हैं और 12 साल तक जनता के सुख दुख में खड़े होते हैं। राजीव राय की तो पॉपुलरिटी इतनी है सुकुमार जी कि जैसे पप्पू यादव पूर्णिया से कई बार के इंडिपेंडेंट सांसद रहे हैं, उसी तरह से राजीव राय ने अब अपनी लोकप्रियता बना ली है। वो पढ़ा लिखा सांसद एक एक कॉल, भाई अगर वो घोसी का सांसद फोन कर रहा है तो मऊ के डीएम ने फोन क्यों उठाया, नंबर तो सेव होगा। अब ये ना कहे डीएम साहब कि हमारे पास नंबर ही सेव नहीं था, नहीं वो तो कह दिया है अभी बीजेपी के एक मंत्री ने कहा है दिनेश सिंह जी ने कि सांसद विधायकों के सबके नंबर और सर करके बात करनी पड़ेगी। अब मुझे ये नहीं मालूम उन्होंने ये कहा है कि भाजपा वालों से ऐसी करनी है या सपा वालों से भी करनी पड़ेगी, मुझे ये नहीं मालूम उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस, अब तो कांग्रेस के भी सांसद है तो सर कहना पड़ेगा कांग्रेस के सांसदों को लेकर भी। अब मैं नहीं कह सकता बसपा के सांसद की बात, क्यों बसपा का कोई सांसद नहीं है तो मैं नहीं जिक्र कर सकता, जिनके सांसद है उनका तो जिक्र करना पड़ेगा। मैं नहीं कह सकता कि राज्यभर के सांसद से बात करनी पड़ेगी, उन्होंने भी अपना बेटा लड़ाया था, वो जनता ने वापस घर भेज दिया, वो शायद राजीव राय के समक्ष ही था।
मैं नहीं कह सकता संजय निषाद जी से, संजय निषाद के बेटे को भी घर भेज दिया। तो ये जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, अगर आलोक सर चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये राजनीतिक दल नहीं तय करती, ये जनता तय करती है। और जनता ने तय किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। अब उसमें 10-5% ईवीएम सीवीएम का खेल है तो उसमें क्या तो आलोक सर कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, वो नेता करेंगे। नहीं नहीं माफ कीजिएगा, मैं मानता हूँ, सुनिए मैं मानता हूँ, मैं एक मिनट सुनिए साहब, अभी नहीं, ईवीएम का एक वोट का भी खेल नहीं है। मैं आपके इस बयान से पूरी तरह से सहमत हूँ, असहमत हूँ। एक मिनट का एक वोट का भी फेर बदल ईवीएम में नहीं है। अगर ईवीएम में फेर बदल होता तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पर नहीं सिमटती भाई साहब। मैं ये विपक्ष विपक्ष जहाँ सही है वहां बात करवा। तो सवाल कर रहा हूँ, आपने पूरी बात नहीं सुनी। जीत जाओ तो ईवीएम बढ़िया, हार जाओ तो ईवीएम खराब। इस ईवीएम के फेर में विपक्ष अपना हर जगह 1.5-2% वोट का नुकसान करता है। जो विपक्ष का पक्का समर्थक है वो ये सोच के नहीं जाता कि ईवीएम में वोट कहीं दो वो तो बीजेपी को जाएगा, क्योंकि आपने ये पैटर्न बना दिया। आपका 2-3% वोट का नुकसान होता है ईवीएम का चर्चा करके। और आप अरे साहब मैं आपको मैं एक मिनट लूंगा, रोक रहा हूं। कुछ लोग हैं जो ईवीएम के नाम पे अंड बंड बयान देते रहते हैं और हाईलाइट होते रहते हैं और उन लोगों को एक दर्शक का सवाल है कि महाराष्ट्र झारखंड में क्या होगा। ये भाई दर्शक है जो सुबह से लगे हुए हैं, कह रहे हैं आलोक जी से ये पूछ लीजिए कि महाराष्ट्र झारखंड में क्या होगा। 23 तारीख को पता चलेगा शाम को 3 बजे तक। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में फंसा हुआ चुनाव है, कौन जीतेगा जो भविष्यवाणी करे वो अपना। नहीं नहीं भविष्यवाणी मैं कर दे रहा हूँ, कांग्रेस को जीता हुआ मैच हारने की आदत है। अब आपने थोड़ी सी ईवीएम की कह दी तो आ गया कमेंट, आलोक पाठक जी शर्म आनी चाहिए आपको, डॉक्टर नवल किशोर साख बासगांव फूलपुर कैसे हारे लोग, बेईमानी नहीं हुई तो। अरे भाई साहब भाई साहब फिर वही बात, मैं इसीलिए कहता हूँ मैं शंकर भगवान का भक्त हूँ, वो समुद्र मंथन में जहर पी सकते हैं, मैं तो उनका भक्त हूँ, उनकी नगरी का हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो उनकी कृपा है, मेरे शरीर में आवाज है, सांसें हैं, मैं आपके बातें। हाँ दूसरी तरीके से गड़बड़ी हुई जो थी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वो ईवीएम की गड़बड़ी नहीं थी, वो 2-3 हजार का जो मार्जिन होता है ऊपर नीचे, वो प्रशासनिक दृष्टिकोण कैसे सेट होता है क्या होता है वो सब बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसे समझने की जरूरत नहीं है। मैंने भी कई बार देखे हैं जब और भी मुख्यमंत्री रहे हैं तब भी बैठ के बताया गया कि फला नेता हार जाएगा तो राजनीति कैसे चलेगी, मैंने वो फोन भी सुना है, मैंने उन फोनों का भी हवाला लिया है। और एक आध दो सीनियर पत्रकार जब हमारे प्रोग्राम में आते हैं तो बता जाते हैं कौन कौन सी सीट पर कब किस मुख्यमंत्री ने फोन करके कहा कि अब फला हार भी जाएगा, तो डीएम साहब ने कहा नहीं सर हारेगा नहीं। तो ये जो 3-4 सीटें आप गिना रहे हो ये उस कैडर की है, ईवीएम का और उनका दोष मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। अब देखिए देखिए बिल्कुल अभी एक बच्चे ने एक आईएएस बॉय करके एक लड़का है कोई दर्शक है उन्होंने लिखा कि बासगांव फूलपुर फर्रुखाबाद ईवीएम से नहीं, जब हार जीत का अंतर 2-3 हजार होता है तो ये सब ऑफिसर हरवा देते हैं, सबको पता है, पता सब जान रहे हैं भाई साहब। एक बात बोले सुकुमार जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि सारी काउंटिंग जो है ना क्लोज सर्किट टीवी में होती है के कैमरों के अंतर्गत होती है। कोई डीएम सुनिए मेरी बात सुनिए अक्षय कुमार जी मेरी बात सुनिए, आप मुकदमा कीजिए ना सच के साथ जाइए, ये लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन मुकदमा लड़ने नहीं आते, जाइए सच प्रस्तुत कीजिए। सर कोई भी आईएएस आज भाजपा की सरकार है, कल सपा की सरकार होगी, परसों कांग्रेस की सरकार होगी, इसके बाद बसपा की सरकार होगी, वो अपनी नौकरी नहीं दांव लगाएगा सर, क्योंकि जब वो जेल जाएगा तो वो अधिकारी जेल जाएगा, उसका परिवार सफर करेगा भाई। 2-3 हजार वोटों से कई सीटों पे भाजपा भी जीती है, 2-3 हजार वोटों से कई सीटों पे सपा भी जीती है। इस तरह के मैं काउंटिंग के समय आप पूरे सच होते हैं, सीसीटीवी होती है,
मैं सिर्फ झूठ बोल दूं, कुछ यूट्यूबर सब दिन भर झूठ चलाते रहते हैं। 25 सीटों पर चुनाव परिणाम बदल जाएगा। राजीव कुमार ले लिए हैं लोग नाम। राजीव कुमार ने बेईमानी की, इतने अकाउंट, इतना पैसा। अरे सब इतना झूठ बोलते हैं यूट्यूब पे भी व्यू पाने के लिए कुछ नमूने, कि जनता को गुमराह करते हैं। नहीं नहीं, आप माफी मत मांगिए। आपका काम है दिन भर सवाल करना, हमारा काम है आपके कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। चाहे आप हमें सपाई बताओ, सपाई आए तो भाजपा ही बताए, हमें इससे कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। मेरी आदत है सवाल सुन करना। मेरा अगर पूरा चैनल देख लोगे तो मैं दिन भर सवाल करता हूँ, मेरा और कोई धंधा नहीं है सवाल। नहीं नहीं, दर्शक हमारे लिए, हमारा भगवान है वो, हमें अगर गलती हमारी होगी उसको स्वीकार करेंगे, पब्लिक दर्शकों के सामने स्वीकार करेंगे, लेकिन जहां जो सच है वही बताया जाएगा। गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, हम भी इंसान हैं। चलिए सर, समय हो रहा है। आलोक सर बहुत अच्छा आपने इस सब पर विश्लेषण किया, और मैं दर्शक के अपने की अभिषेक जी हैं फर्रुखाबाद से, वो कह रहे हैं कि फर्रुखाबाद जब सब कुछ काउंटिंग हो गई उसके बाद कुछ देर के लिए बिजली ऑफ कर दी गई, तो सीसीटीवी और बनेंगे काय के, और लाठी चार्ज शुरू हो गया। मैं सारी बातें समझता हूँ, मैं भी इसी देश में रहता हूँ, इसी राज्य में रहता हूँ, सबके राज्य में और सबके टाइम पे सब कुछ होता है। कोई ज्यादा कर लेता है, कोई कम कर लेता है, ये सरकारें आती हैं और जाती हैं, सत्ता परिवर्तन का खेल होता है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से चुनाव फंसा हुआ है। देखना यह होगा कि केशव के बयान का क्या होगा, क्या अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे केशव के बयान? कहीं ऐसा तो नहीं कि केशव मौर्या और ब्रजेश पाठक जाने वाले हैं अखिलेश यादव के साथ, या फिर ब्रजेश, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 100 विधायक, सुन लीजिए, उन्होंने बोला है 100 विधायक लाओ मुख्यमंत्री बनो, उनका ऑफर बरकरार अभी उन्होंने फिर बोला था। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार, इसी तरह हमें प्यार और सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।